भाजपा राज्यसभा उम्मीदवार डॉक्टर सिकंदर कुमार ने विधानसभा में अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर सीट को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में डॉक्टर सिकंदर कुमार ने नामांकन भर दिया है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का इस चयन के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर सिकंदर कुमार एक साधारण एवं गरीब परिवार से हैं और अपने संघर्ष से वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सिकंदर कुमार अनुसूचित जाति वर्ग से हैं और उन्होंने इस वर्ग के लिए बेहद कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि वे पूर्व में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सिकंदर को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी और सिकंदर संगठन को मजबूत करेंगे ऐसी कामना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सिकंदर कुमार ने राज्यसभा टिकट नहीं मांगी थी, अपितु पार्टी ने खुद उनका चयन किया है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट जो हाल ही में खाली हुई थी उसको भरने की प्रक्रिया के रूप में आज एक नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रोफेसर सिकंदर जी का हमने किया है और मैं केंद्र के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित भाई जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से इस राज्यसभा की सीट के लिए प्रोफेसर सिकंदर जी को प्रत्याशी के नाते घोषित किया। और प्रोफेसर सिकंदर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ऐसे साधारण गरीब परिवार से आगे बढ़कर के संघर्ष करते हुए अपना पढ़ाई का दौर पूरा करने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और यह हमारे लिए खुशी की बात है कि अनुसूचित जाति से संबंध रखते हुए इन्होंने अपने उस वर्ग के लिए जब संगठन में भी थे उस वक्त भी बहुत बड़ा काम किया। आप अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और उस वक्त बहुत बेहतरीन काम किया है। समाज के ऐसे गरीब वर्ग के लिए सदैव मदद करने की कोशिश करना ये आपके स्वभाव में है और उस दृष्टि से पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय किया उसका हम अभिनंदन करते हैं। और मैं प्रोफेसर सिकंदर जी का जो नॉमिनेशन हुआ है विधिवत इस अवसर पर इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर सिकंदर ने पार्टी का आभार व्यक्त किया। सर्वप्रथम तो मैं राज्यसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी विधायकों का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार तक करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित किया और आप सबका भी मैं आज आप इस मेरे नामांकन के मौके पर आए हैं आपका भी आभार तक करता हूं।